हाई गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेके आती हूँ, और आज के सेगमेंट में मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट बेस्ड वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्पाइसजेट एयरलाइंस के रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव्स के वॉक इन इंटरव्यूज के बारे में। तो अगर आप इन जॉब पोजिशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब फॉर माई लेडीज वीडियो अपडेट्स, और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं इस जॉब पोजीशंस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देना आपको शुरू करती हूं। स्पाइसजेट एयरलाइंस फ्रेंड्स अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाने जा रहा है। ये सारे वॉक इन इंटरव्यूज़ फ्रेंड्स रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के लिए, दिस इज़ नॉट कस्टमर एक्सपीरियंस और एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ जॉब पोजीशंस, बट ये सारी जॉब पोजीशंस फ्रेंड्स स्पाइसजेट एयरलाइंस के रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के लिए है। इन्हीं के अपने खुद के कॉल सेंटर की सारी जॉब पोजिशंस के इंटरव्यूज़ होंगे ये फ्रेंड्स, ठीक। 27 जून को ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपका ये पूरा वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सबसे पहली बात फ्रेंड्स जो आपको ये समझनी है कि क्योंकि कल का पूरा दिन आपके पास प्रिपरेशन के लिए रहेगा इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मल्स जो आप पहनोगे, इन टर्म्स आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, तो मैं अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूँगी कि जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स गुरुग्राम के पास में रहते हैं और गुरुग्राम के पास में किसी भी जगह पे अगर आप दिल्ली साइड रहते हो तब भी आप इसके इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे सजेस्ट ये नहीं करूँगी कि अगर आप आउट ऑफ सिटी, मतलब अगर आप गुरुग्राम से बहुत दूर जैसे कि आप किसी भी दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आप इसके इंटरव्यूज़ एकदम कतई देने मत जाइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे गुरुग्राम के पास रहते हैं या फिर गुरुग्राम में रहते हैं दिल्ली साइड रहते हैं तो आप इनके इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं, ठीक। तो डेजिग्नेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की जॉब पोजीशन है ये फ्रेंड्स, ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने एमबीए करके रखा है एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ठीक, और अगर आपने पीजीडीएम भी करके रखा है तब भी आप इसके वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने करके रखा है तब भी आप जा सकते हैं, मतलब ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आप दोनों इसके वॉक इन इंटरव्यूज अटेंड कर सकते हैं, ठीक। 12th पास करने के बाद भी आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है आप इसके इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं। एक बात जो फ्रेंड्स आपको यहाँ ख्याल रखना है दैट इज कि अगर आपने बीटेक करके रखा है, अगर आपने एमटेक करके रखा है, अगर आप टेक फील्ड के हैं तो आप इसके इंटरव्यूज के लिए नहीं जा सकते। अगर आपने एएमई मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या फिर अगर आप एक सीपीएल होल्डर है तब भी आप इसके इंटरव्यूज के लिए नहीं जा सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैंडल करनी होगी इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स, ठीक। जितनी भी कस्टमर बेस्ड यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे ड्यूटीज जिम्मेदारियाँ होंगी वो आपको निभानी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात हम कर लेते हैं उन सारी स्किल्स की जिसकी ज़रूरत आपको इन जॉब पोजिशंस के लिए पड़ेगी। गुड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कॉल सेंटर में स्पाइसजेट एयरलाइंस के कॉल सेंटर में वर्क करेंगे। इट इज़ अ कस्टमर टोटल कस्टमर बेस्ड जॉब पोजिशन है ये, ठीक। तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश और हिंदी की बहुत अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू हैंडल पैसेंजर्स एंड प्रोवाइड देम विद द बेस्ट कस्टमर सर्विस। यहाँ पे कैंडिडेट के अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए टू वर्क इन अ डायनेमिक एंड अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट। बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से फ्रेंड्स जो आपको मिलेंगे दैट इज फर्स्ट इंसेंटिव्स एंड सेकेंड पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप गुरुग्राम के पास रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, दिल्ली साइड रहते हैं, आप इसके इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। अगर अपने घर से भी आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे तो कंपनी की तरफ से पिकअप एंड ड्रॉप इन फैसिलिटी आपको मिलेगी, प्लस इंसेंटिव्स भी आपको दिए जाएंगे, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। बात करते हैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की फ्रेंड्स जो आपको कैरी करके लेके जाने। सबसे पहले आपका पैन कार्ड, देन आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, 10th 12th की आपकी मार्कशीट्स, पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन की फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की मार्कशीट्स, एंड देन आपके जितने भी यहाँ पे प्रोविजनल, अगर आपकी ग्रेजुएशन एंड पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपका प्रोविजनल डिग्री आ गई है तब भी आप उसको लेके अपने इंटरव्यू में जा सकते हैं। ओरिजिनल्स कैरी करिए,
साथ में सबकी फोटोकॉपी का एक सेट भी फ्रेंड्स कैरी करिएगा, ठीक है। अपनी फोटोग्राफ्स मत भूलिएगा, अपडेटेड रिज्यूमे भी मत भूलिएगा, ठीक। जल्दी से हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया की, मतलब आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल, मतलब 18 से 28 के बीच में अगर आपकी एज, अगर आप 28 ईयर्स के हैं, 18 ईयर्स के हैं, आप इसके इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं। ड्रेस कोड आपका रहेगा फॉर्मल्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक। डेट फिर से मैं बता दूँ 27th of June, ठीक। टाइमिंग आपकी रहेगी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। वेन्यू प्लॉट नंबर 319, उद्योग विहार, फेज 4, गुरुग्राम, हरियाणा 122016। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर की, जो कि हर एयरलाइंस जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज अपडेट करता है उसमें मेंशन करते हैं कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी फ्रेंड्स आपसे कहती है कि वो स्पाइसजेट एयरलाइंस या किसी भी एक्स वाई जेड एयरलाइंस के साथ आपको जॉब पोजिशन प्रोवाइड कराएगी और डायरेक्ट इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक, पैसे की डिमांड हो रही है, तो आपको ऐसे वॉक इन इंटरव्यूज को नहीं देना है। जब तक आप खुद वॉक इन इंटरव्यू देने खुद से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई एक्स वाई जेड थर्ड बंदा आपको ये कह रहा है कि हम आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करवा देंगे, आप इतना समथिंग रुपीज हमको जमा कर दीजिए, ऐसे इंटरव्यूज को आपको एकदम फ्रेंड्स अवॉइड करना है, ठीक है। एक और बात फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप अपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाए, जब तक वहाँ के एम्प्लॉयज़ उस पर्टिकुलर एयरलाइंस का आई कार्ड नहीं पहने हैं, यूनिफॉर्म में नहीं है, ठीक है, तब तक आपको ऐसे वॉक इन इंटरव्यूज़ को नहीं देना है। कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस एयरलाइंस में या फिर किसी भी हम जॉब पोजीशन की बात करें विद इन एयरलाइंस, कोई भी ऐसा पैसे की डिमांड नहीं होती, ना ही कोई ऐसा पैसा जमा होता है, ठीक। तो वॉक इन इंटरव्यूज देने से पहले आपको इन बातों का जरूर ख्याल रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। अगर आपके पास इस जॉब पोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कॉमेंट्स या क्वेरीज है, बेझिझक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात कह देना चाहती हूँ कि इस जॉब के जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है, इसके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए रिक्रूटमेंट लिंक मेंशनड है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, मुझे लिखते हैं मैम वेयर इज़ द लिंक, काफ़ी पहले के भी वीडियोस पे ये कमेंट्स आ चुके हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट लिंक मेंशन है, ठीक, वहाँ से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो पाएगी, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को आप जल्दी से रैप अप करती हूँ। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।